भाई यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल आया है कि नहीं आया है? हाँ मात्र 3 रुपए का चाय है ये, सोचो। और ये है तुम्हारे कहलगांव के जस्ट बगल में, स्टेशन के बगल में। तो गाइस ये है टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। ये देखो ईटा तैयार हो रहा है गाइस, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ईटा सब बना हुआ है, अभी कच्चा ईटा ये, और इधर जाकर पकेगा। हो वाह। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फिलहाल आज जो है एक मोटो व्लॉग जैसा ही समझो कि मोटो व्लॉग ही है, क्योंकि भाई फिलहाल कुछ पता नहीं है और रास्ता के बारे में तो भाई कुछ बात ही नहीं कर सकते। अब बस दिखाना क्या, बस रास्ता ही दिखाना है, रास्ता ही देख कर तो आप लोग थोड़ा सा बता देते क्या बताओ। कहलगांव रोड भाई से आवाज में देख रहे हो, पूरा एकदम टसन में है। और फिलहाल चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो बाय बाय, शादी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है भाई। चलो भाई से अपना काम कर ले, एडिटिंग वगैरह करके रखना, ठीक है। चलो ठीक, चलो बाय। तो गाइज ये अपना गली यहाँ से हम लोग छोड़ रहे हैं और फिर अभी चलते हैं। और गोप्रो फिलहाल बस साथ देते हम लोग का, बस ये चाह रहे हैं कि गोप्रो डॉन ना हो, बस चलते रहो और देखते हैं। बस मेन मेन जगह पे ये लेंगे फुटेज वगैरह, बाकी तो आप गाड़ी की अगर बात करते गए, इस गाड़ी तो कतई जहर गाड़ी है अपने पास, देख सकते हो। मैलेज की बाप है हॉन्डा, यहाँ NS लगी हुई है। तो फिलहाल हॉर्न देख रहे हो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। आज बुलेट तो है नहीं पास में, बट फिर भी मज़ा आने वाला है कल से। ओ साबिर साबिर सोच में पड़ गया कि भाई आखिर ही क्या कर रहा था। तो अभी निकल चुके हैं और अब कितने बजे पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, समथिंग 30 किलोमीटर दूर है क्या भाई, 30 किलोमीटर। हाँ, तो चलो फिलहाल अब सफ़र के मज़े लेते हैं। और आदमी भी देखिए भाई, हम लोग को है ना देख कर सब लोग हंस रहा है वाले थे यार, बुलेट से ही जैसे। हाँ फिलहाल गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुलेट से ही हम लोग जा रहे थे, बट बुलेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए बुलेट नहीं निकाले। और आने वाले टाइम में तो भाई हम लोग जो है ना वो हायाबूसा एंड H2 औकात ये सबसे ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर, अभी तो फिलहाल ये है। तो भाई नहीं, नहीं, नहीं। इसमें भी हम लोग, मेरे कहने का मतलब है प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा रीजन क्यों नहीं बुलेट से जा रहे हैं, ओ इस गाड़ी से क्यों जा रहे हैं। ओ हाँ वो तो प्रॉब्लम भाई आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा, रोड पर ही आप लोगों को दिखेगा। जो कि भाई अभी फिलहाल हम लोग एक चीज भूल गए भाई, एक चीज भूल गया। क्या चीज भाई? वो सॉल वगैरह नहीं लिया। अरे अरे वो तो भाई ले लेना चाहिए था, है ना। हेलमेट फिलहाल इधर उतार रहा है और ये सामान ही देने जाना है हम लोगों को H4E। एंड चलो फिलहाल 30 किलोमीटर दूर। तो गाइस फिलहाल अभी फ्यूल लेंगे और फ्यूल लेने के बाद फिर आगे चलते हैं। कितने का फ्यूल लेना ब्रो? 500। समझ रहे हो, समझ रहा हूँ 500। और भाई बुलेट से कम है क्या हमारी गाड़ी? ये ऑनलाइन करना हो जाएगा ना? ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन। हाय भैया, हाय, हेलो गाइस। फिलहाल अभी कर लेते हैं और ऑनलाइन पे कर रहे हैं फिलहाल मोलू, और यहाँ से अब निकलेंगे समथिंग। अभी हम लोग बाईपास फिलहाल जाने वाले हैं, बाईपास से फिर इधर हम लोग का ट्रिप स्टार्ट होगा। 500। हाँ ठीक है भैया। भैया गाड़ी कैसी लग रही है? बढ़िया। अरे मैं बैठे हुए हम लोग ना, गाड़ी तो बढ़िया लगेगी। बाय द वे गाइस फिलहाल हम लोग सबौर आ चुके हैं और सबौर से आगे बढ़ रहे हैं। क्या ब्रो? तो ये है सबौर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, अब आगे बढ़ते जाते हैं। फिलहाल ये है गाइस रोड, बाबा रे बाबा रोड देखकर ही गाइस हमको तो पसीना आ रहा है और गाड़ी चलाने में कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है वो मोनू को, मोनू ही फेस कर रहा है। फिलहाल रोड देखो यार कितना गंदा वाला, ये रोड बनेगा कब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी हम जब आए थे जब बहुत टाइम पहले आए थे हम इधर, तो इधर भी ऐसे ही देखे थे और अभी भी। तो बाय द वे गाइस अभी आगे चलते रहते, देखते हैं रोड में क्या चेंजेस हुआ है। फिलहाल तो हमको नहीं लग रहा कि कुछ चेंज वगैरह हुआ है या तो कुछ बना है,
कुछ नहीं, जो पहले था जैसा ऐसे ऐसे अभी कुछ चेंज नहीं हुआ यार। और आपको भट्टी दिख रहा होगा फिलहाल, ये देखो गाइस धुआं हुआ सब निकल रहा है, देख रहे हो, देखो वाह। एक तो रोड इतना खराब है गाइस, इतना ज्यादा, ये गंगा ब्रिज है छोटा वाला। तो फिलहाल अभी सूरज यहाँ पर है। अब फिर देखो एक और मिल गया, ये है बीएमटी भट्टा। बीएमटी भट्टा दिखाने वाला। ये देखो एक धुआं निकल रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ। हाँ, तुम्हारे स्लेट पेंसिल से धुआं निकल रहा है गाइस, ये स्लेट पेंसिल से धुआं निकल रहा है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ आप लोग सोच रहे थे ना कि आखिर स्लेट पेंसिल वगैरह कहाँ बनता, देख लो इधर ही बनता। ओ कितना सारा है यार, हम तो गिन भी नहीं पा रहे भाई, अभी इतना सारा दिखाया था। ये देखो फिर चिमनी लग रहा, वो चिमनी जैसा ही दिख रहा है, देखो कितना सारा है यार। तो गाइस घोगा आ चुके हैं हम लोग, यहाँ ही ईटा बनता है, ये है नजारा। और ये देखो गाइस ट्रक वगैरह लगा हुआ है, इधर से सब जगह सप्लाई होता है। बिना सोचा ये समझा दिल दे दिया रे, नहीं नहीं अभी और सुनिए, दे गया रे हो हो गया दिल को प्यार। गाइस अगर किसी को भी घर वगैरह बनाना, अगर ईटा की कमी हो रही है, तो आप लोग ईटा इधर आकर परचेस करें, क्योंकि भाई इधर ईटा काफी सस्ते में मिल जाएगा आपको। और बाकी तो अगर बात करते हो डीलर वगैरह से लोगे, तो वो भाई काफी मोटे तकड़े में देगा। ये देखो ईटा तैयार हो रहा है गाइस, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ईटा सब बना हुआ है, अभी कच्चा ईटा ये, और इधर जाकर पकेगा। हो वाह सही है गाइस, देखो यार पूरा धूल से गाइस एकदम, बोलो मत यार, इसलिए फिलहाल हम पूरा मुंह को फेस को ढक लिए थे इससे बाहर जाए, यो बट अभी थोड़ा सही है, तो चलते हैं। अभी छोटी नाला है ये, देख सकते हो घोगा से एक चारी जाने में गाइस ये आपको कुछ देखने को मिलेगा। और रोड तो इतना अच्छा है भाई, हम लोग का 10 का कितना है स्पीड, 5 समझो, साइकिल चल रही है, गजब बेइज्जती है। और स्पीड करने के बाद ये हालत होगा, स्पीड करोगे तो फिर देखो तेरी हो। गाइस ये है बिहार, देख रहे हो चमक न रहते, देख न रहते, देख क्यों भाई हाय भी नहीं कर रहा, हाय बाय हाय कर यहाँ है कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार, गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं एक चारी, गंगा नदी, गंगा नदी क्या कौन मछली गाइस ये है सेंट जोसेफ। तो ये स्कूल गाइस इधर का काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है, वन एंड ओनली एसएससी स्कूल है भाई यहाँ। ओ भाई एसएससी स्कूल है, अरे अरे वाह, एक चारी में भी गाइस एसएससी बोर्ड है, ऐसा नहीं सोचना कि एक चारी में एसएससी बोर्ड नहीं है। मोनू ये क्या है, बस जो समझ ले, क्या समझ ले, नेचर तो दिख रहा है यार, लेकिन ये क्या, ये बड़ा बड़ा सिल्ला इल्ला गिरा हुआ, इसे तुम मंदिर भी कह सकते हो, कहलगांव का टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। अरे भाई भाई, तो गाइज यहाँ पर हम लोग, हाँ तो गाइज ये है टूरिस्ट प्लेस ठीक है, और कहलगांव का, और भागलपुर से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है तो भाई आ ही जाते हैं। और फिर बात रही एक तरीके से टापू भी हो गया, इस मंदिर में मांगने वाली चीज पूरी हो जाती है।
चलो भाई हम अभी मांग रहे हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम मांग रहे कि भाई जल्दी से वायरल कर दो। बड़े हरामी हो बेटा। कुछ कहना चाहते हो? अरे भाई तो चलो गाइस थोड़ा इसके भी टूर किया जाए। अब फिलहाल टूर तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि भाई टाइम है ही नहीं हम लोगों के पास। फिलहाल हम लोगों को निकलना है और ये है नाव। इधर जाने के लिए नाव करना पड़ता है। 200 रुपये दीजिए और जाइए इधर आराम से चिल आउट करिए। तो छोड़ो हटाओ अभी। बाय द वे गाइस यहाँ है ना क्रोकोडाइल आ चुका है। तो अभी हम बात करते हैं एक ब्रो से, इससे पूछते हैं। यहीं पर घर है इसका तो पता होगा इसको थोड़ा। तो भाई यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल आया है कि नहीं आया है? हाँ, 6-7 वो आया है एकदम। अरे भाई आदमी लोग को पार कर आदमी को लेकर जा रहा साथ में। हाँ, एक दिन यहाँ पे बगल में कुत्ता पानी पी रहा था। हाँ? लेके चला गया पानी में। अरे भाई तो यहाँ पर क्या, तो आखिर कोई कुछ सोच रहा है कि नहीं प्लानिंग वगैरह कि हाँ भाई क्या करना चाहिए इसको? सरकार के द्वारा छोड़ा गया है। अरे यार तो ऐसे कहते सरकार और छोड़ा गया कि आदमी को कम करो, है ना? सही बात है। तो बड़ा कितना होगा? समथिंग बहुत बड़ा है। बड़ा बड़ा है क्या? अरे यार हमको थोड़ा छोटा वोटा होगा। तो गाइस छोड़ो हम तो इधर जाएंगे नहीं क्योंकि भाई हमको डर लग रहा है। ठीक है तो इधर हम जाने वाले नहीं। देखो यहाँ पानी वानी में भी थोड़ा बर्तन वर्तन धोया जा रहा है। फिलहाल पता चला कि भाई क्रोकोडाइल आया लेकर उड़ गया। छोड़ो चलो तब यहाँ से निकलते अब। और चलो ब्रो चला जाए अब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। गाइस गेस करो मात्र 3 रुपये का चाय है ये। सोचो। और ये है तुम्हारे कहलगांव के जस्ट बगल में, स्टेशन के बगल में। तो स्टेशन से बगल से आगे पी सकते हो एकदम। 3 रुपये का चाय लेकिन टेस्ट में काफ़ी तगड़ा है यार, मज़ा आ रहा है। तो गाइस यहाँ कुछ सामान वगैरह मिला है जो कि मोनू के पापा दिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर और अब देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है बट हम लोग पहुँच जाएंगे, 6 बजे पहुँच ही जाएंगे। तो चलो देखते हैं। अब माहौल देख सकते हो, अंधेरा हो गया है, थोड़ा शाम वगैरह हो गया है और गाड़ी का लाइट ऑन हो गया है फिलहाल। अरे भाई रोड इतना गंदा यार, कसम से यार। और एक तो मेरे को भाई सुसु आ गया है, बंदे को बोल रहे रोक दे यार, रोक ही नहीं रहा यार। गाड़ी रुकेगी घर पे ही अब। भाई अब घर पे बोल रहा है रोकने के लिए यार, इतना जोर से आ गया यार, इतना ज्यादा जर्किंग हो रहा है ना, लग रहा है कि भाई अब निकल जाए। लेकिन क्या करता है, देखो चूतिया और ही जर्किंग में जान बुझ के लेके जा रहा है गाइस। जर्किंग वगैरह में जा रहे हैं, देखो तो ये जर्किंग है, ये जर्किंग है। अरे हिलता है तो और लगता है ना भाई, बात क्यों नहीं समझ रहे हो? रुक जा। देखो अब मिलते हैं डायरेक्ट घर पर क्योंकि अब रास्ता बहुत गंदा है। देखो। अरे यार इतना ज्यादा गंदा है यार, अरे मुंह से कुछ आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा है रास्ता। और चलो मिलते हैं फिलहाल अब घर पर। ओहो टाइम हो गया होगा। जो चीज़ बोला वही किया गाइस, लेकर आया पूरा यहाँ तक। हमें को लग गया सुसु, हम जा रहे दौड़ते हुए। ठीक है साफ कर लीजिए अपना पूरा, करते से भरे हुए हो। अब भी चलते हैं घर। तो गाइस अब हम लोग घूम रहे हैं अपने टॉन में और ये अपने बुलेट। बट अब देखो कितना मजा आ रहा है, इसमें एक अलग ही लेवल का भाई स्वैग आता है। और गाड़ी की बात की जाए तो भाई इसका तो लोहा है, पूरा लोहा। तभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मनाली। और इधर से हम लोग जाएंगे, कुछ भूख वगैरह लगा है। फिलहाल कहलगांव में तो कुछ खाया वगैरह नहीं बट हाँ यहाँ भागलपुर में तो भाई हर जगह कुछ ना कुछ खा सकते हैं, वो भी सस्ते में। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं, मूड फ्रेश करते हैं भाई। काफी ज्यादा गर्दे से अब निकले हैं इधर टाउन के साइड, थोड़ा घर वगैरह गए, फ्रेश वगैरह हो गए और अब यहाँ चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये है छोले कुलचे और फिलहाल खाएंगे और फिर के बाद जाएंगे। अभी फिलहाल बंद रहे, बनने में टाइम जो भी लग जाए, बाकी फिर खाते हैं फिर इधर से निकलते हैं। गाइज यहाँ पर टोकन वगैरह भी लेना पड़ता है। फिलहाल पहले टोकन लो फिर इसके बाद खाना लो, जल्दी से लेकर आओ इधर। अगर आज के ट्रिप पे अगर हम अगर जाते RC तो फिलहाल गाड़ी कुछ और आती। पता चला कि भाई इसका सब कुछ गिर जाता, इंजन आता बस। ऐसा लगा कि भाई एक लिया लेकिन यहाँ पर 2 लिया। चलो ठीक है, इसको पहले हम खा लेते हैं, काफी जोर से भूख लगी है।
स्नैप, ये देखो गाइस स्नैप ले रहा है, स्नैप वाला बंदा भाई बिल्कुल। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, और घर आ चुके हैं फिलहाल हम, और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया फिलहाल, रैकेट वगैरह भी खेल लिया। तो चलो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।